सत श्रीकाल सारों, मैं जसमीत भाटिया लैंडमार्क इमीग्रेसन तो, और अज असी गल करांगे जनवरी इनटेक वाले स्टूडेंट्स लई। सो मेरी कोशिश होंदी है हमेशा ही मैं स्टूडेंट्स नूं गाइड कर सकां सही ढंग नाल किवें अपलाई कर सकदे आ, चाहे तुसीं किसी भी कंट्री च अपलाई करना चाहते हो, कैनेडा, जर्मनी, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, असीं सारे ही कंट्रीज च डील करदे आ और पिछले 13 सालों तो स्टूडेंट्स नूं एडवाइज़ करदे आ रहे हैं। सो सब तो पहला तो मैं सारे स्टूडेंट्स नूं एडवाइज़ करना चाहवां कि जनवरी इनटेक कैनेडा दा स्पैसीफिकली भरदा जा रहा बहुत ही फास्ट। सो जे तुसीं जनवरी इनटेक च अपलाई करना चाहते हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अपलाई ईवन फॉर मे 2021। सो सीट्स घटदियां जा रही हैं डे बाय डे। सो तुसीं अपलाई करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट आर टीम, साडे ऑफिसिज़ हैगे अमृतसर, जलंधर, मोगा, लुधियाना, चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब दे विच, एंड तुसीं साडी ब्रांच मैनेजर्स नूं आके मिल सकते हो और मेरे नाल वीडियो कॉल ते राबता कायम कर सकते हो तां कि असीं तुहाडी प्रॉपर असैसमेंट कर सकीए। जनवरी इनटेक दे स्टूडेंट्स मैनूं पुछदे हैं कि की रीज़न हैगा फुल होण दा। सो मैं सारे स्टूडेंट्स नूं गाइड कराँगा कि जनवरी इनटेक, क्योंकि सितंबर तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डेफर ले ली जनवरी च, उदे करके भी जनवरी इनटेक काफ़ी फुल हो गया और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हां दे AIP रिजल्ट्स नहीं आए हैं, सो उन्होंने भी डेफर ले ली जनवरी इनटेक च, ये भी रीज़न बनता है जनवरी इनटेक फुल होण दा। सो मैनूं लगता है कि जदों 3-4 महीने नूं सब कुछ नॉर्मल हो गया, जो कि बहुत वड्डी पॉसिबिलिटी है कि 3-4 महीने तक नॉर्मल फ्लाइट्स भी खुल जाएगियां एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रैवल फ्रीली, दैन ऑफर लैटर्स विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो अज की डेट च ऑफर लैटर्स आ रही हैं, जे तुसीं अपलाई करना चाहते हो तो बेशक अपलाई कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस की एप्लीकेशन फीस से वेवर है, जिवें कि लैम्पटन कॉलेज की एप्लीकेशन फीस से वेवर है, नायगरा कॉलेज की एप्लीकेशन फीस से वेवर है, बट सिर्फ लैंडमार्क इमीग्रेसन लई, सारे लिए नहीं। सो नायगरा कॉलेज की एप्लीकेशन फीस से वेवर चल रहा है अजकल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वैस्ट की एप्लीकेशन फीस से वेवर है, सो $150 का तुम उत्थे भी एप्लीकेशन फीस से वेवर ले सकते हो। सी एप्लीकेशन फीस किन्नी होंदी है, ये भी एक वड्डा मुद्दा है, स्टूडेंट्स पूछते हैं मैं एप्लीकेशन फीस किन्नी होंदी है, ये नाम से भी स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता मैं कह सकता। सो एप्लीकेशन इज़ बिटवीन $100 to $200, इस तो ज़्यादा नहीं होंगी, यानी कि अज की डेट डॉलर हाई चल रहा है तो 6,000 तो लैके 12,000 के अंदर अंदर ही एप्लीकेशन फीस होंगी है। जे तुहानूं कोई डाउट है तुम अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दे सकते हो कंसल्टेंट नूं और जो एप्लीकेशन फीस होएगी वो तुहाडे कार्ड ते अपने आप ही लग जाएगी। सो यू विल कम टू नो कि तुहाडी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन अप्लाई हो गई है, यू विल गैट द कन्फर्मेशन कि किन्ने पैसे कट्टे गए हैं। सो तुहाडे दिमाग च कोई भी इदां दा डाउट नहीं रह जाएगा कि एप्लीकेशन फीस च किन्ने पैसे लगते हैं। सो रेंज करती है, जे मैं कुछ एग्जाम्पल ले लाँ, अलगोमा यूनिवर्सिटी की $125 है, सस्कैचुअन पॉलीटेक्निक की $150 है, कैम्ब्रियन कॉलेज की $95 है, लॉयलिस्ट कॉलेज की $100 है। सो ये कुछ मैं सारे ना शेयर कर रहा कि कुछ एप्लीकेशन फीस है मैं डिस्कस की और हर कॉलेज की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फीस होंगी हुई है। सो जो सब कुछ नॉर्मल हो गया मैं लगता है कि जी ऑफर लैटर टाइम लगेगा वो 3 to 4 महीने लगनगे। सो हरी अप, अपलाई राइट नाउ बिकॉज आई फील दिस इज़ द राइट टाइम टू अपलाई। हुण असीं वीज़ा सक्सैस रेट बारे गल कर लैंदे आ कि आने वाले इनटेक च वीज़ा सक्सैस रेट किदां दा रहेगा। सो वीज़ा सक्सैस रेट वधदा ही नज़र आ रहा मैनू, क्योंकि स्टूडेंट्स जिहड़े अपलाई करनगे उन्हां नूं वीज़ा ज़्यादा मिलन की पूरी पूरी उम्मीद है। जनवरी 2021 भी, मई 2021 भी और सितंबर 2021 भी वीज़ा सक्सैस रेट वधदा ही नज़र आएगा। बहुत वड्डे पद्धर ते AIPs इशू हुए हैं, आई नो मैनी स्टूडेंट्स हैव गॉट रिफ्यूजल ऑलसो, डोंट वरी, तुसी रीअप्लाई कर सकते हो अपना केस। और जे तुसी रीअप्लाई करना चाहते हो, जे तुसी अपनी फाइल विच कुछ चेंजेस करोगे तो बेनीफिट है, जे तुसी एक सरकारी कॉलेज अप्लाई किया है सही ढंग ने अपलाई किया और तुसी एलिजिबल हो तो तुसी बिल्कुल रीअप्लाई सेम जगह कर सकते हो। पर जे तुसी एक प्राइवेट कॉलेज अप्लाई किया दैन आई विल एडवाइज़ यू टू चेंज योर कॉलेज फॉर बैटर वीज़ा सक्सैस रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद साडे वीडियोज़ लाइक करन दा, शेयर करन लई, और तुसी मैनू भी मिल सकते हो अपॉइंटमेंट लैके, कॉल करो 90413 90412 और ईमेल मी योर प्रोफाइल @info@landmarkimmigration.com। थैंक यू।